नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08, हम पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि हम वही दिखाते हैं जो सच होता है। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। कांतिलाल दडिंग की रिपोर्ट। ग्राम रियावन में पीड़ित किसानों के खेतों का अवलोकन किया गया, उनसे चर्चा की गई। इस अवसर पर SDM राहुल घुट्टे, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष वरुण छोत्री, एडवोकेट कांग्रेस नेता बालूदास बैरागी, वीरेंद्र सिंह सोलंकी, मोबीन भाई मेव, किसान कांग्रेस अध्यक्ष मोहन लाल सैनी, सेवा दल अध्यक्ष कन्हैयालाल हाड़ा, नीति राज सिंह सोलंकी, मारक चबडोट, दिलीप सिंह चंद्रवाद, रोशन सेठ मावत बड़ावदा के, तेजू जोशी कृष्णा अकेडमी, मुबारक भाई, पप्पू चरोडिया, सुशील कोचट्टा, प्रकाश धमेड़ी, किशोर व्यास, बापूलाल बममता, फिरोज काजी, दिलीप राव मंडलोई, हिम्मत सिंह श्रीमाल, जगदीश पांडे, हीरालाल मेहता, कृष्णा पाटीदार, प्रेम सुख पाटीदार, गुड्डू पठान, कचरू धनगर मावता सहित अनेक महाअनुभव उपस्थित हुए। इस अवसर पर SDM घोटे ने आश्वस्त किया है कि शीघ्र पीड़ित किसानों से व्यक्तिगत मुलाकात कर इनको न्याय प्रदान करूंगा। तहसील का गांव है रतलाम जिला। और आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह जी एक तरफ कहते हैं कि किसानों को हम 50-50 साल की जमीन वालों को पट्टा देंगे, और एक तरफ उन्हीं का तहसीलदार, उन्हीं की पुलिस और उन्हीं के अफसरों की मौजूदगी में ये 25 से कम 30-40 बीघा फसल, जिसमें ये लहसुन जोरदार गेहूं और मेथी और सारी फसलों को उन्होंने जो है रोन दिया गया मशीनों से तहसीलदार की उपस्थिति में, और बुलडोजर चला के सारे किसानों की फसल को नष्ट कर दिया गया। बेचारे किसान रोते बिलखते रहे, लेकिन उनकी इस मध्यप्रदेश के अंदर को सुनने वाला नहीं है। आज ये हमारे वरुण जी छोत्री भाई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे बाले भाई मोमिन भाई, हमारे कांग्रेस के नेता जाबाज, हमारे भाटी जी, अजय जी, खेड़े जी, और हमारे सैनी जी, और हमारे भाई साहब जिला अध्यक्ष जी दिलीप जी साहब, और ये सारे लोग आए, और आज इन किसानों के दुख दर्द के अंदर ये लोग आके खड़े हुए, और ये फसलें आप देख रहे हो, सारी फसल आपको दिखाई दे रही है। और ये हमारी माता, ये माँ दुखी है, आज इसके दुख का आंसू पोंछने वाला इस मध्य प्रदेश के अंदर कोई नहीं है, और ये हमारे कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के जिम्मेदार लोग हैं। ये कांग्रेस के लोग गरीब की पीड़ा समझते, मजदूर की पीड़ा समझते, उसके दर्द को समझते, तो आज उनके बीच में आके उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और 15 दिन बाद सरकार ये बोल रही है, सुनो क्या बोलते हैं कि नप्ती करने आओ, तो सरकार क्या बोलते हैं तहसीलदार कि अभी फसल खड़ी है, अभी नप्ती नहीं कर सकते। तो जब तुम कहते हो फसल खड़ी है और नप्ती नहीं कर सकते, तो जो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो तहसीलदार अपनी उपस्थिति के अंदर पुलिस प्रशासन को खड़ा करके और किसान की फसल को रोन देता है, तो उसको अधिकार किसने दिया।